Hey guys, this is Rahul. Welcome to another video lecture of SQL series, SQL and PL SQL series. Okay, तो आज की इस video lecture में हम लोग पढ़ने वाले integrity constraints के बारे में. Integrity constraints क्या होते हैं और हमें क्यों जरूरी है integrity constraints. Okay, हम लोग notes के according देखेंगे. ये notes जो है मैंने description link में आपको दिया हूँ. आप लोग चाहे तो वहाँ से download कर सकते हो. Okay. और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं नोट्स अवेलेबल कर दूंगा. तो शायद आपको याद होगा कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जब टेबल क्रिएट किए थे तो हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स का यूज किए थे, जैसे प्राइमरी की और चेक. ओके, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि और भी कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमारे ओरेकल में है. तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स है हमें जरूरी क्यों है. ओके, तो आपको पहले ही स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा. ओके, तो जैसे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू ए टेबल एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ डेटा इन ए टेबल. इसका मीनिंग ये हुआ, सो जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और कुछ कॉलम बनाते हैं तो कुछ कॉलम में हम लोगों को जो डेटा है उसका जो एंट्री लेवल होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं. ओके, तो जैसे कोई कोई कॉलम्स ऐसे होते हैं कि हमेशा वहां पे हम लोगों को कोई ना कोई डाटा चाहिए ही होता है. ओके, और कुछ डाटा ऐसा होता है कि हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो वही होता है आपका कंस्ट्रेंट्स. ओके, तो कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं अभी कि आप लोगों को कितने टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स यूज करने हैं. ओके, ये नोट्स में बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो. ओके, हम लोग सिंपल में देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग लेक्चर्स को. ओके, तो देखते हैं आपको कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स ओरेकल में है. तो वेरियस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन ओरेकल आर नॉट नल, एक पहला कंस्ट्रेंट, देन सेकेंड यूनिक की, देन थर्ड प्राइमरी की, देन फोर्थ फॉरेन की, देन फिफ्थ चेक एंड सिक्स डिफॉल्ट. ओके, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट. नॉट नल क्या होता है कि आप लोग जब कॉलम स्पेसिफाई करोगे तो वहां पे जो आप लोग डेटा एंटर करोगे हमेशा कोई ना कोई वहां पे डेटा होना चाहिए. ओके, वहां पे आपकी नल वैल्यू नहीं हो सकती. अगर आप लोग वहां पे कोई भी डेटा अगर इंसर्ट नहीं करते हो तो आपका एरर आएगा. ओके, जब आप नॉट नल कंस्ट्रेंट दोगे तो ये होता है आपका नॉट नल कि हमेशा आपका कोई ना कोई डेटा आपके कॉलम में होना चाहिए. देन सेकेंड बता रहा हूँ मैं आपको यूनिक की. यूनिक की का यूज आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, यूनिक मींस हमेशा अलग. ओके, तो आप लोग जब भी कॉलम स्पेसिफाई करोगे यूनिक की कंस्ट्रेंट का यूज करके तो हमेशा आपको अलग डेटा वहां पे डालना पड़ेगा. ठीक है, सेम डेटा आपका नहीं हो सकता कॉलम में, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपको वहाँ पे इंसर्ट करना होगा. जैसे कि हम लोग अगर यूज़ करते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, जो सेम नहीं हो सकता, एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो भी सेम नहीं होती. ओके, तो ये होता है आपका यूनिक की कंस्ट्रेंट. देन हम लोग देखते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है आपका यूनिक की और नॉट नल की का. ओके, तो प्राइमरी की अगर आप लोग कंस्ट्रेंट देते हो कोई कॉलम को तो वहाँ पे आपका जो डेटा है हमेशा यूनिक होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए. ओके, तो ऐसा काफी सारा डेटा होता है. जैसे अगर मैं रोल नंबर की ही अगर बात करूं तो रोल नंबर जो है आपको हमेशा कोई ना कोई रोल नंबर डालना होगा. ओके, जो कि यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए. देन देखते हैं फॉरेन की. फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है. अगर हम दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल का यूज करते हैं, ओके, तो डेटाबेस में क्या है कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपके जो टेबल्स हैं वो कोई और टेबल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मीन्स लिंक होते हैं. एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होगा, दूसरा टेबल तीसरे टेबल से लिंक होगा, तो ऐसे लिंक होते हैं और वो लिंक आई के थ्रू होते हैं, एक सेम कॉलम के थ्रू. ओके, मीन्स जैसे एक टेबल है और एक दूसरा टेबल है तो उसमें एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो उसके थ्रू वो क्या होते हैं, लिंक होते. तो फॉरेन की का मैं आपको सिंपल यूज बता दूं कि अगर हमारा जैसे एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की है और दूसरा टेबल है जिसमें उस प्राइमरी की का यूज हो रहा है. ओके, तो वो जो जिस प्राइमरी की का यूज हो रहा है वो हमेशा आपका जो पहला टेबल है उससे क्या हो, मैच हो. ओके, वहां पे इनवैलिड डेटा हम लोग एंटर नहीं कर सकते. किसकी मदद से, फॉरेन की कंस्ट्रेंट की हेल्प से. ओके, तो ये होता है फॉरेन की. हम लोग जब इसका यूज करेंगे तब आपको फॉरेन की समझ जाएगा. देन हम लोग देखते हैं चेक कंस्ट्रेंट के बारे में. चेक कंस्ट्रेंट हमने इसके पहले भी देखे एट द टाइम ऑफ क्रिएट टेबल. तो चेक कंस्ट्रेंट का हम लोग जनरली यूज इसीलिए करते हैं कि हम लोग जो डेटा चाहे सिर्फ वही एंटर हो. ओके, तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे चेक के थ्रू कि हम लोगों को बस यही डेटा वहां पे एंटर करना है. तो जैसे मैंने एक सिटी के लिए, ठीक है, सिटीज के लिए मैंने चेक कंस्ट्रेंट दे दिया. जैसे मैं चाहता हूँ कि नागपुर हो, भंडारा हो, पुणे हो, मुंबई हो, बस यही सिटी एंटर करो, इसके अलावा कोई सिटी एंटर मत करो. ओके, तो हम लोग ये बता सकते चेक कंस्ट्रेंट के थ्रू. ओके,
सो मैंने यहाँ पे डिफाइनिंग चेक कंस्ट्रेंट दिया हूँ, हाउ यू कैन डिफाइन द चेक कंस्ट्रेंट और अनदर कंस्ट्रेंट। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले कॉलम स्पेसिफाई करना होता है, फिर उसके बाद आप लोग चेक कंस्ट्रेंट या फिर कोई और कंस्ट्रेंट दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल तो हम लोग डिफाइनिंग चेक कंस्ट्रेंट या फिर डिफाइनिंग जो है वो अभी कंस्ट्रेंट का हम लोग नहीं देखते, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते सिर्फ कंस्ट्रेंट के बारे में, ओके। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मीन्स ऐसा कंस्ट्रेंट जहां अगर हम लोग कोई वैल्यू अगर नहीं देते, जैसे कोई कॉलम में हम लोग कोई डेटा नहीं डालते, तो डिफॉल्ट में एक कोई ना कोई वैल्यू वहां पे जानी चाहिए, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ओके। तो जैसे मेरा एक टेबल है, टेबल में कॉलम है एस स्टेट वाला, ठीक है। उस स्टेट में हम लोग वायर कैट टू का यूज करेंगे, ये तो डेटा टाइप है, ओके। सपोज अगर हम लोग स्टेट में अगर कुछ स्टेट का नेम नहीं डाल रहे, ओके, डेटा नहीं डाल रहे उसमें, तो डिफॉल्ट में क्या जाएगा, बिहार जाएगा, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ओके। तो हम लोग इसके बाद के वीडियोस में पढ़ने वाले सारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ठीक है, प्रैक्टिकली, ओके। तो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, वहां पे कॉलम्स बनाएंगे और सारे कंस्ट्रेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। तो किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुद का ख्याल रखो, ओके।